हम लोग कहाँ पर थे? अब क्या होता है नेक्स्ट में, जब ऐसा बोलता है कि वहां पर एक बच्ची जो है बैसाखी के सहारे जो है वह चल रही है, फिर देन क्या होता है? मिस बीन लाफ्ड, ओह नो शी सेड शी इज नॉट रियली लेम। अब क्या बोल रहा है? जब ऐसी बातों को सुनता है लुकास की इन बातों को देख सुनती है वो मिस बी, तो वो हम जोर जोर से ठहाके लगा कर हंसने लगती है ना, बहुत ही ज्यादा उसे हंसी आ जाती है और बोलती है ओ नो, अरे नहीं सी सेड, वह कहती है, क्या कहती है? सी इज नॉट रियली लेम। लेम मतलब होता है लंगड़ा होना है ना, लंगड़ी होना है ना, तो वही लेम मतलब होता है जिसका पैर खराब हो, लंगड़ा हो, है ना। तो बोलती है कि नहीं, वो जो है वो लंगड़ी नहीं है, वो पैर से उसका पैर जो है वो खराब नहीं है ना। दिस इज ओनली हर लेम डे, मतलब यह उसके लंगड़े दिन या उसके जीवन का या उसके स्कूल में एक लंगड़ा वाला दिन है ना, यानी कि उसके स्कूल में एक डे भी होता है जिस दिन इंसान को लंगड़ापन होने का एहसास दिलाया जाता है ना, तो उसी में से यह एक है। फिर क्या होता है? द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइडल, फिर बोल रही है कि बाकी लोग भी जिसे आपने देखा या जिसने को आप देख रहे हैं कि वह उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, वो भी अंधे नहीं है ना। उनकी आंखों पर भले ही पट्टी बंधी है लेकिन वे देख सकते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी है इसका मतलब नहीं कि वह जो है अंधा है ना। फिर क्या हो रहा है? इट इज ओनली द ब्लाइंडेड, और यह जो है उनके जो है हफ्ता का एक जो है या महीने में एक दिन जो है वो ब्लाइंड डे होता है, वो है यह उनका वही दिन है ना। आई मस्ट हैव लुक वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ अगेन, है ना। और मैं जो हूँ इन सारी बातों को सुनकर, या कौन बोल रहा है? यह बोल रहा है लेखक कौन? लुकास, है ना। वो बोल रहा है मैं ऐसी बातों को सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ है ना, और मैं जो है देखता देखा कि वो फिर से हंस रही है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिस्टम, है ना। वो बोल रही है यह हमारे सिस्टम का या हमारे स्कूल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यह पार्ट है, भाग्य है ना। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, है ना। फिर बोल रहा है टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड हिज मिसफॉर्च्यून, वी मेक देम शेयर इन दिस मिसफॉर्च्यून टू। मतलब क्या बोल रहा है कि हम लोग अपने बच्चों को, है ना, वी टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, कि वैसे लोगों को जिनका आंख खराब है, पैर खराब है या कुछ और खराब है, उनके जिंदगी में क्या कष्ट गुजरती है ना, वे किस कष्ट से होके गुजरते हैं, उन चीजों का एहसास दिलाने के लिए ही हम लोग जो है ऐसा जो है बच्चों को इस तरीके का उनके लिए एक दिन ऑर्गेनाइज करते हैं ना। ये बोलता है एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। मतलब बोल रहा है हर एक बच्चों के लिए एक दिन ब्लाइंड डे होता है ना, फिर एक ना एक दिन जो है लंगड़ा वाला दिन होता है ना, फिर एक ना एक दिन जो है उन्हें आंखों पर पट्टी बांध कर रखना होता है, फिर एक ना एक दिन जो है उनको कुछ कानों से कुछ सुनना नहीं होता है, फिर एक दिन जो है उन्हें इंजर्ड होना पड़ता है, मतलब चोट लगने पर वो इंसान किस तरीके से व्यवहार करता है वैसा बनना पड़ता है ना, और एक दिन जो है गूंगा बनना पड़ता है, डम बनना पड़ता है। डम मतलब होता है गूंगा, है ना, DUMB, डम मतलब गूंगा, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज एब्सोल्यूटली एंड दे आर ऑन देयर ऑन नॉट टू पीक, बोल रहा है। और जब अंधापन वाला दिन होता है तो क्या होता है? अंधेपन के दिन जो है उनकी आंखों पर पट्टी बिल्कुल कड़े की तरीके से बांध दी जाती है, उनकी आंखों को बिल्कुल तरीके से जो है ढक दिया जाता है कपड़े के माध्यम से, ताकि वे जो है बाहर की तरफ झांक नहीं पाए, है ना। फिर क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, बोल रहा है। और जब उन्हें अंधापन वाला रोल निभाना होता है तो फिर जो है क्या करते हैं वे, उन्हें उन्हें वह दिन का एहसास दिलाने के लिए कि आपका अगला दिन जो है वह कैसा है, अंधापन से गुजरने वाला है, उसके लिए उन्हें पिछली रात को ही उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, ताकि जब वह सवेरे सवेरे उठे, है ना, तो उनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई हो और वे अंधों वाली फीलिंग उनके अंदर आए कि अंधे जब सुबह सुबह उठते हैं और अपने दिन का सारा काम क्रिया करते हैं तो उन्हें किस तरीके से क्या महसूस होता है ना। फिर बोल रहा है दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, और ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि उस दिन उन्हें
हर एक चीज के लिए किसी ना किसी के मदद की आवश्यकता होगी, है ना। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, है ना, एंड लीडिंग देम अबाउट। उसके बाद बाकी बच्चों को कौन सी ड्यूटी दी जाती है कि उन बच्चों का, वैसे बच्चे जो कि अंधापन का रोल निभा रहे हैं, उनकी मदद करो, है ना, उनका सहारा बनो और उन्हें जिस भी चीज की जरूरत हो उन्हें पहुंचाओ या उन्हें वहां तक लेकर जाओ, है ना। उसके बाद बोल रहा है दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। और इस तरीके से जो अंधापन का रोल निभाता है और जो उनका सहयोग करता है वे क्या सीखते हैं कि एक अंधापन का जो रोल निभा रहा है वो क्या सीखते हैं कि अंधेपन वाले इंसान को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है अपने जीवन में। और हेल्पर्स का मतलब क्या होता है, जो उसका सहयोगी बनता है ना, कि जो उनके साथ उनकी मदद करता है, तो वह कैसे एक अच्छा जो है मदद करने वाला इंसान बन सकता है, वह उसका गुण उनके अंदर आता है ना। फिर क्या बोल रहा है, देयर इज नो मिजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यू। मिजरी मतलब MISERY, मिजरी मतलब होता है दुख। मिजरी मतलब दुख, पीड़ा, है ना। एक और वर्ड था मिस फॉर्चून, है ना। मिस फॉर्चून मतलब होता है दुर्भाग्य, है ना, दुर्भाग्य, ठीक है। मिजरी मतलब होता है दुख और मिसफॉर्चून MISFORTUNE मिसफॉर्चून, है ना, मिसफॉर्चून मतलब होता है दुर्भाग्य, है ना। नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, वो बोल रही है देयर इज नो मिजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यू बोले, और इसमें वैसी कोई दुख वाली बात नहीं है, है ना, मिस बीम बोलती है। उसके बाद बोल रहा है एवरीवन इज वेरी काइंड एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ अ गेम, है ना। बोल रहा है सभी लोग जो है काफी मदद करने वाले होते हैं और काफी सभी लोगों का नेचर जो है काफी दयालुपन वाला होता है, काफी सभी लोग जो है जो मदद करते हैं वो काफी दयालु होते हैं, है ना। बिफोर द डे इज ओवर इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेस व्हाट मिसफॉर्चून इज, और दिन के खत्म होने तक, है ना, दिन के खत्म होने तक एक छोटे से छोटे बच्चे को भी जो इस ऐसे रोल निभाते हैं उन्हें इस बात का एहसास होता है कि वाकई में वैसे लोगों को क्या गुजरता होगा, उनके दिल पर क्या गुजरती होगी जब उन्हें जिंदगी भर के लिए वो अपने आंखों से देख नहीं पाते हैं या मुंह से बोल नहीं पाते हैं या कानों से सुन नहीं पाते हैं या पैरों से लंगड़े होते हैं, तो उनके जीवन में वास्तविकता में कितना पीड़ा होता होगा इसका अनुभव उन्हें होता है, है ना। उसके बाद बोल रहा है the blind day is of course really the worst but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult। बोल रहे हैं कि मैंने सुना है कि जो अंधापन वाला दिन होता है किसी भी बच्चे का वह उनका सबसे कष्टदायक दिन होता है, है ना, सबसे खराब दिन होता है। लेकिन बहुत कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं जब मुंह से कुछ बोलने के लिए नहीं बोला जाता है ना, जो डम्ब डे जिस दिन आप मुंह से कुछ बोल नहीं सकते हो तो उस दिन जो है वह सबसे जो है दुखदायी, कोई कोई बोलते हैं कि सबसे ज्यादा दुख देने वाला बात उसी दिन होता है, हमारा दिन सबसे ज्यादा दुखदायी उसी दिन मिलता है जिस दिन हमें मुंह से कुछ बोलने जाने का अनुमति नहीं होता है ना। उसके बाद बोलते हैं वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, है ना। बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसा नहीं है कि मुंह से कुछ नहीं बोलना है तो आप उनके मुंह पर पट्टी बांध दीजिएगा, नहीं, हम लोग उनके मुंह पर पट्टी भी नहीं बांधते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके अंदर के कंट्रोल को हम लोग देखते हैं, है ना, या उन्हें उस बच्चे का मुंह से कुछ नहीं बोलना है तो उन्हें उनके अंदर का कंट्रोल को देखा जाता है कि भाई बच्चे अपने आप के अंदर के बोल को कब तक कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। यानी कि यहाँ पे भी एक बात सिखाती है कि कंट्रोल करना अपने जज्बातों को कंट्रोल करना, है ना, ज्यादा रिएक्ट करना, है ना, ये भी यहाँ पे हम लोगों को सीखने को मिलता है। उसके बाद बोलते हैं कमिंग टू द गार्डन एंड सी फॉर योरसेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, बोल रहा है चलो मेरे साथ जो है आप तो गार्डन में चलो और चलो देखो वहां पर कि वाकई में चिल्ड्रन को है वाकई में बच्चों को जो है कैसा फील होता है, है ना। फिर बोलता है मिस बीइंग लेड टू one of the bandage girls,
है ना, बोल रहा है मिस बीन जो है लुकास को जो है एक पर्टिकुलर बच्चे जिसके जिसको पट्टियां बंधी हुई थी उनके पास और लेकर जाती है और बोलती है हियर इज अ लिटिल मैन कम टू टॉक टू यू सेंस पेन एंड लेफ्टर्स। उसके बाद बोलती है उस बच्ची से यह देखो यह महानुभाव यह महाशय जो आए हैं यह तुमसे बात करना चाहते हैं ना, चलो तुम इनसे बात करो। और वह फिर जो क्या होता है उन दोनों को वैसा छोड़ देती है और खुद जो है वहां से वह चली जाती है। ठीक है, डोंट यू एवर पीक। अब क्या हो रहा है, लेखक पूछ रहे हैं कौन, लुकास पूछ रहे हैं उस बच्ची से जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, वो पूछ रहे हैं उससे क्या तुम कभी भी इस पट्टी को हटाकर झांकती नहीं हो, है ना। डोंट यू एवर पीक, पीक मतलब होता है झांकना, है ना। पी 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 है ना, पी झांकना। पीक मतलब होता है झांकना, ठीक है, झांकना कहते हैं ना, झांक इसे हटा कर देखते हैं ना उसी को कहते हैं झांकना। ठीक है, चलो अब क्या बोल रहे हैं, आई आस्क द गर्ल, मैंने बच्चे से पूछा क्या कि तुम कभी झांकते नहीं हो। ओ नो सी एक्सक्लेम, वह जोर से बोलती है, वह जो है मतलब उत्साहपूर्वक बोलती है नहीं नहीं अरे मैं क्यों झांकूंगी, है ना। दैट वुड बी चीटिंग, बच्ची बोलती है नहीं नहीं बहुत तो है चोरी करने की तरह हो गया, चीट करने की तरह हो गया। अगर